अस्सलाम वालेकुम, लाहौरिया सेट से उमर ताहिर। माय कॉन्टैक्ट नंबर 0321-9537-814। आज मैं आपसे DHA भावलपुर के मैप के ऊपर आपसे मैं वीडियो शेयर करूंगा। ओवरऑल हम मैप का व्यू करेंगे, किस ब्लॉक में कौन सी कटिंग है, प्राइसेस क्या है, और यहाँ पे जो कनाल की फाइल्स हैं उनका क्या चांसेस है कि वो फाइल्स किस ब्लॉक में आएंगी और उनकी प्राइसेस क्या होगी, आजकल इनकी प्राइसेस क्या हैं और बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कमर्शियल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। सबसे पहले हम DHA भावलपुर के जो पोजेशन वाले ब्लॉक्स हैं इनकी बात करेंगे। तो पोजेशन जो है वो सेक्टर ए ब्लॉक, सेक्टर बी ब्लॉक और सेक्टर सी ब्लॉक। सेक्टर ए में कनाल और दो कनाल की कटिंग है, ये कनाल है और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये दो कनाल की कटिंग है। इसी तरह सेक्टर बी में भी जो है ज़्यादातर जो कटिंग है वो कनाल की है, लेकिन सेक्टर सी में जो कटिंग है वो 10 मल्ला की है। यहाँ पे हम प्राइसेस की अगर बात करें तो प्राइसेस जो हैं वो ए ब्लॉक में आपको जो पोजेशन वाला प्लॉट है वो 51-52 में मिल जाता है कॉस्ट ऑफ लैंड पे, प्लस इसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल होंगे 22 लाख रुपए जो के सारे जा चुके हुए हैं। इसी तरह जो सेक्टर बी है यहाँ पे भी जो पोजेशन वाला प्लॉट है आपको वो 38-40 में प्लॉट मिल जाता है, कनाल का प्लॉट आपको 38-40 में मिल जाता है। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वो इस लिहाज से प्लॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उस लिहाज से कि आप फाइल लेते हैं आपको नहीं पता उसकी लोकेशन कहाँ पर आएगी और बैड लोकेशन भी आ सकती है अच्छी भी आ सकती है, लेकिन अगर आप पोजेशन वाला प्लॉट लेना चाह रहे हैं और DHA में लेना चाह रहे हैं और कम बजट में लेना चाह रहे हैं कनाल की कटिंग में, तो मैं समझता हूं कि आपके पास जो DHA भावलपुर की ऑप्शन है वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। इस ऑप्शन के अलावा आप ओवरऑल DHA में अगर जाते हैं तो इस प्राइस पर आपको 5 मरला की फाइल भी नहीं मिलती। सेकेंडली है कि रेंट इनकम के लिए भी ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि अगर आप यहाँ पे घर बना के उसको रेंट पे भी दे दें तो एक अच्छी रेंट इनकम यहाँ पे आ सकती है। सेक्टर एन ब्लॉक की हम बात करेंगे तो सेक्टर एन में जो है काफ़ी हद तक जो है डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। सेक्टर एन में भी आपको 37-38 में प्लॉट मिल जाता है, डिपेंड ऑन द लोकेशन, डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन कहाँ पर है। अगर आपका प्लॉट बैक साइड पर है तो उसकी प्राइस कम है, लेकिन अगर फ्रंट वाली साइड पर है तो उसकी प्राइस उतनी ही अच्छी है। अगर आप अपना कोई प्लॉट बेचना चाह रहे हैं या बाय करना चाह रहे हैं तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तकमील स्केयर है जो आप देख रहे हैं सेक्टर एन में, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी तेज़ी से जारी है। इसके ऊपर इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द जो है वो वीडियो शेयर करूँगा। और सेकेंडली सेक्टर एम आ जाता है, सेक्टर पी आ जाता है जिनका रिसेंटली बैलेट हुआ है, यहाँ पे भी कनाल की कटिंग है। प्राइसेस इनकी दोनों की तकरीबन सेम है, 27-28 और मैक्सिमम कोई 55-60 तक जो है ना यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल है। इसी तरह सेक्टर क्यू की बात करें तो ये 8 मरला की कटिंग है, ये वो फाइल्स है जो 25 लाख में फाइल्स की टोटल प्राइस DHA ने डिसाइड की थी और स्टॉर्मस के बाद जिनका बैलेट हुआ है यहाँ पर इनकी कटिंग आई है 8 मरला की। 8 मरला की जो ज़्यादातर कटिंग है वो क्यू ब्लॉक में है और कुछ जो कटिंग आ रही है वो सेक्टर एफ ब्लॉक के इस हिस्से में 8 मरला की कटिंग आ रही है, ये जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं बाउंड्री के साथ साथ। अब हम बात करेंगे DHA भावलपुर के जो बाकी ब्लॉक्स हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो बाकी जो ब्लॉक्स हैं सेक्टर एस है, सेक्टर एस में जो है 5 मरला के प्लॉट्स हैं। सेक्टर एस में 5 मरला ये वो प्लॉट हैं जिनके ऊपर 15-16 लाख रुपये ऑन गया था, आज ये प्लॉट बहुत बहुत रीजनेबल प्राइस पर ये प्लॉट अवेलेबल हैं। अगर आप लोकेशन के साथ 5 मरला प्लॉट में बाइंग करना चाह रहे हैं तो DHA भावलपुर में आप अपना प्लॉट ले सकते हैं। यहाँ पे जनरल लोकेशन का प्लॉट जो है वो आपको तकरीबन 15-16 लाख में मिल जाता है, मतलब कि जो प्राइस सेलर ने DHA को दी है उसी प्राइस में आपको नंबर के साथ प्लॉट मिल जाएगा। हालांकि एक टाइम था इसके ऊपर 14-15 लाख रुपये ऑन भी गया था, तो वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की वो इन्वेस्टमेंट आज के दिन में कर सकते हैं। मैं हमेशा से कहता होता हूँ कि बैलेट के बाद जो है प्राइसेस नीचे आती हैं या जब डेवलपमेंट चार्जेस स्टार्ट होते हैं तब भी प्राइसेस नीचे आती हैं, कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो देने की अमाउंट नहीं होती, जिस वजह से वो अपना प्लॉट बेच रहे होते हैं। तो उस टाइम पे आप अपना अच्छा प्लॉट ले सकते हैं, अच्छा प्लॉट लोकेशन के साथ बाई कर सकते हैं। कुछ कटिंग जो है 5 मरला की इस पोर्शन में भी है सेक्टर ई में, बाकी जो सेक्टर ई का जो पोर्शन है ज़्यादातर जो है यहाँ पर 10 मरला की कटिंग है। यहाँ पे भी जो 10 मरला का प्लॉट है सेक्टर ई में आपको जो है ना मिनिमम कोई 18-19 लाख का मिल जाता है, और बाकी जो डिपेंड करता है, लेकिन ये जो मैं आपको 18-19 लाख का बता रहा हूँ ये बाउंड्री के करीब करीब को बैड लोकेशन के प्लॉट हैं। लेकिन अगर आप अच्छी लोकेशन के प्लॉट की बात करें तो अच्छी लोकेशन का प्लॉट जो है जैसे कॉर्नर है, फेसिंग पार्क है, उसकी जो है प्राइस आपको 30+ में ही वो प्लॉट मिलेगा या 30 के करीब करीब मिलेगा, डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन कैसी है।
हम सेक्टर डी की बात करेंगे तो सेक्टर डी में जो है एक कनाल और 10 मरला का पोर्शन है, 10 मरला में डेवलपमेंट का काम 100% कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये सेक्टर डी है, सेक्टर डी की लोकेशन बहुत अच्छी है। सेक्टर डी में जो है विलाज भी हैं, 6 मरला, 9 मरला, 12 मरला, इसकी भी डिटेल के लिए आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें सेक्टर डी के कनाल के पोर्शन की, तो यहाँ पर डेवलपमेंट अभी उस तरह से कम्प्लीट नहीं हुई, यहाँ पे जो है प्राइसेस भी इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पे आपको जो जिस प्लॉट के ऊपर पोजेशन नहीं है, बल्कि ओवरऑल इस ब्लॉक में जो है पोजेशन नहीं है, तो यहाँ पे आपको जो प्लॉट है वो राउंड को 25-26 का मिल जाता है, लेकिन अगर अच्छी लोकेशन का प्लॉट है तो उतनी ही अच्छी उसकी प्राइस होगी। हम बात करेंगे DHA भावलपुर के सेक्टर JH की। J में जो है यहाँ पे डेवलपमेंट चार्ज स्टार्ट हो चुके हैं 33 लाख, जिसकी 3 इंस्टॉलमेंट जा चुकी हैं, और सेक्टर H में जो है वहाँ पे भी जो है अभी वहाँ पे डेवलपमेंट अभी डेवलपमेंट चार्ज स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन सेक्टर J में जो है डेवलपमेंट चार्ज स्टार्ट हो चुके हुए हैं। इस तरफ देखें तो सेक्टर F ब्लॉक आ जाता है। सेक्टर F ब्लॉक में जो है यहाँ पे भी तकरीबन सेम रेट ही है सेक्टर JH वाला। सेक्टर G की बात करें तो सेक्टर G में जो है डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से जारी है, डेवलपमेंट चार्जेस भी स्टार्ट हो चुके हुए हैं, और सेक्टर G में भी तकरीबन सेम रेट्स हैं जैसे सेक्टर J और H में है। अभी हम बात करेंगे फाइल्स के ऊपर। फाइल्स जो है इस टाइम कनाल और 10 मरला की बात करेंगे। कनाल की फाइल जो है काफ़ी चांसेस हैं जब बैलेट होगा तो उनकी जो लोकेशन आएगी वो इस जगह पे आएगी, एल या के ब्लॉक में आएगी। कोई न्यू ब्लॉक भी आ सकता है, DHA कोई न्यू ब्लॉक भी जो है वो भी लेके आ सकता है, लेकिन काफ़ी चांसेस हैं कि सेक्टर एल या के ब्लॉक में जो है कनाल की कटिंग आएगी, या 10 मरला की भी मे बी यहाँ पे कटिंग आ सकती है। कनाल की फाइल की प्राइस जो आज के दिन में है वो 27 लाख है, जो कि बहुत 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 रीजनेबल प्राइस पे ये फाइल अवेलेबल है। 10 मरला की बात करें तो 10 मरला जो है 17,50,000 रुपये में अवेलेबल है। वो लोग जो कम बजट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और मतलब DHA में रह के भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ की ख्वाहिश होती है कि हम इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ DHA में करें, DHA से बाय ना करें, या अगर इंस्टॉलमेंट्स पे कोई आप अपनी चीज़ को बाय करना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं या किसी किस्म की DHA भावलपुर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, तो आप मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 03219537814। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि सेक्टर ए ब्लॉक, बी ब्लॉक या सी ब्लॉक में आप अगर कमर्शियल लेते हैं पोजेशन के साथ, अगर आपको ये कमर्शियल मिल जाएगा 1-5-1-10 में जो है ये कमर्शियल मिल जाता है। इसकी जो डिमांड है 4 मरला कमर्शियल की वो की जो की जाती है वो है 15-20 लाख रुपए। और सबसे बड़ा एज ये है कि DHA ने अनाउंसमेंट किया अभी पिछले दिनों कि अगर कोई भी यहाँ पे कमर्शियल के ऊपर कंस्ट्रक्शन करता है या कोई कनाल का प्लॉट लेके उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 100% वेव ऑफ कर दिए जाएंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। अगर आप कमर्शियल की बात करें तो 50 लाख रुपये का वेव ऑफ मिल रहा है, अगर हम कनाल की बात करें तो यहाँ पर 22 लाख का आपको वेव ऑफ मिलता है, और इसी तरह अगर हम बात करें 10 मरला प्लॉट्स की जो पोजेशन वाले सेक्टर सी में है तो आपको 13 लाख रुपए का यहाँ पे जो है वेव ऑफ मिलेगा अगर आप यहाँ पे घर की घरों की कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 03219537814। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।